अरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और आपने देख लिया कि टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल आज अपने को स्टडी करना है। इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ वन इन वन वेरिएबल का फ़ायदा क्या है? भाई फ़ायदा भी तो कुछ होगा। तो ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है जो IIT JEE एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस उनको फंक्शंस में मिलेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस उनको डिफरेंशिएशन में मिलेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिलेंगे। तो ये बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है और ये बहुत बेसिक चीज़ें भी इसमें आएंगी। लेकिन हाँ, लीनियर इनइक्वालिटीज, जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस देखी है, ये एक इक्वेशन मान लीजिए 2x+1=5। तो आप इसको सॉल्व करते हो, एक्स की वैल्यू निकालते हो, तो इसे इक्वेशंस इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पर कैसा साइन है? इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन है तो ये इक्वेशन है, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, ये साइन है। कौन सा वाला? ये वाला है, ये वाला है, ये है, या फिर ये है। ये चार अगर हैं जो इक्वल नहीं है, तब क्या बनेगी आपकी? तब आपकी क्या बनेगी? ये इन इक्वेशन बनेगी। इन इक्वेशन इसको कहेंगे इनइक्वालिटीज, इन इक्वेशंस। और एक वेरिएबल है, क्योंकि हम इसमें एक्स लेंगे। अगर एक्स भी हो, वाई भी हो, तो वो भी होता है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। और या फिर उसको कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, वो कंपेरेटिवली इजी होता है। पर ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें दिमाग भी थोड़ा ज़्यादा लगाना होता है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको बात समझ में आई कि ऐसी इक्वेशंस, कैसी इक्वेशंस जिनमें ये साइन होगा, इस तरह का साइन होगा, तो वो क्या कहलाएंगी? लीनियर इन इक्वेशंस कहलाएंगी, लीनियर इन इक्वेशंस। तो आए अपन कुछ पहले लीनियर इन इक्वेशन से पहले कुछ बात भी कर लेते हैं। जैसे एक ये लीनियर इन इक्वेशन, ये माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, इसको आप पहचानते होगे। ये है आपकी रियल लाइन, कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब सवाल है कि आप ऐसा वाला एरो, वो जो आप बचपन में बनाते थे, ये एरो दिस इज नॉट अलाउड, इस वाले को आप अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक नई भी बात आ गई, वो नई बात आ गई इंटरवल्स की। तो इंटरवल्स भी समझने होंगे हमें। तो इंटरवल्स समझने के लिए आप पहले, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस इंटरवल को कहते हैं ओपन, ये इंटरवल है ओपन। अगर आपको कोई बात ऐसी हो जो आती हो पहले से, तो आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएं। ये ओपन है और ओपन इंटरवल है, और यहाँ पर कोई वैल्यू है ए और बी, और ऐसा लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, एक्स बिलोंग्स टू, इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स इसका एक मेंबर है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल। इन्हें इंटरवल्स कहेंगे, ओपन इंटरवल। तो इसमें खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी होगा। बल्कि इसमें तो ए लेस देन बी ही लिखे अपन, इक्वल टू की तो कोई बात ही नहीं करे, ए लेस देन बी लिख देते हैं। ठीक है, ए लेस देन बी। अब दूसरी बात है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी होगा। ए से एक्स जो है ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्स ऐसा है, कैसा है? ओपन इंटरवल टू टू फाइव में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है आपका एक्स टू से बड़ा है, फाइव से छोटा है। एक्स क्या हो सकता है आपका? 2.0001 हो सकता है, एक्स टू नहीं हो सकता। ये इसका मीनिंग है कि एक्स कैन नॉट बी व्हाट, एक्स कैन नॉट बी टू। और एक्स क्या नहीं हो सकता है? एक्स आपका फाइव भी नहीं हो सकता है। जो ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इनको एक्सट्रीम एक्सट्रीम्स कहते हैं, एक्सट्रीम्स
एक्सट्रीम्स कौन सी है? लोअर एक्सट्रीम है ये, अपर एक्सट्रीम है ये, लोअर एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम। मैं लिख भी दूं क्या कहीं? ये लिख देता हूं ताकि आप नोट कर पाओ, लोअर एक्सट्रीम और ये अपर एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम। हिंदी में इसको शीर्ष मान बोलते हैं, लोअर और अपर, लोअर एक्सट्रीम और अपर एक्सट्रीम। तो लोअर एक्सट्रीम वैल्यू है वो इसके अंदर एक्स वो वैल्यू अटेन नहीं कर सकता, एक्स कैन नॉट बी व्हाट टू नहीं हो सकता है, एक्स कैन नॉट बी व्हाट एक्स कैन नॉट बी फाइव, टू से बड़ा होगा कुछ भी टू से बड़ा। देखो मैंने लिखा है 2.001, और क्या हो सकता है? एक्स थ्री हो सकता है, एक्स फोर हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है देखते, एक्स थ्री हो सकता है, एक्स फोर हो सकता है, 4.1 हो सकता है, एक्स 4.999 ऐसा भी हो सकता है, 4.9999 अप टू इन्फिनिटी ये भी हो सकता है, पर x क्या नहीं हो सकता है? x 5 नहीं हो सकता, मतलब 5 से छोटा और 2 से बड़ा, ये इस इंटरवल का मीनिंग था। और इसी तरह से जो दूसरा है वो क्लोज्ड इंटरवल है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, तो इसमें a लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू b। x कैसा होगा? a से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा या बराबर होगा, और वही एक कंसेप्ट है आपका a लेस देन b समझ लें। इसमें a लेस देन और इक्वल टू b भी हो सकता है, a लेस देन और इक्वल टू b भी हो सकता है। अगर a लेस देन और इक्वल टू b हो गया, मान लीजिए कि ऐसा हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,1, तो इसका मतलब है कि x की एक ही वैल्यू है, इसका मतलब x की एक ही वैल्यू है। और अगर ऐसा फिर एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, इसमें x अगर बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 2 to 5, तो इसका मतलब हुआ कि x क्या होगा? x 2 हो सकता है, x 5 हो सकता है, x 2.1 हो सकता है, और x क्या हो सकता है? 4.999 भी हो सकता है। सब कुछ उसके जैसा ही है, सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। आप मेरे ख्याल से नोट भी कर रहे होंगे क्योंकि मुझे जगह की कमी है, आप देख सकते हो। और इसको भी लोअर एक्सट्रीम और अपर एक्सट्रीम बोलते हैं, नियम वही है जो है। फिर मैं अभी इसको कंक्लूड कर दूंगा एक बार, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, तो स्पेस हमारी बन गई, हेडिंग आप समझ चुके थे, तो अब मैं हेडिंग को रब कर देता हूँ, तो अपने पास ज़्यादा प्लेस होगी तो हम बेहतर कर पाएंगे। तो आपने समझा कि इसमें क्या होगा, तो आपको मोटी बात समझ में आ गई कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसकी लोअर एक्सट्रीम और अपर एक्सट्रीम दोनों शामिल होगी, दोनों एक्स की वैल्यू हो सकती है और बीच की तो सारी हो सकती है। जैसे कि अब मैं आपको इनके नोटेशंस के मीनिंग समझाता हूँ, ये लिखा है तो मैं अब डायरेक्ट आपको एग्जांपल आ गई बात समझ में, तो ये समझिए इसका मतलब है a लेस और इक्वल टू x, लेस और इक्वल टू b, इसका मीनिंग क्या है, और अच्छे से समझ में आएगा आपको, यू डोंट वरी। a लेस देन x, लेस देन b, a फिर से a b से छोटा होगा, ठीक है, और इस केस में a और b क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। पर मान लीजिए कि कभी कोई ऐसा लिख दे, भाई मर्जी की बात है, x belongs to ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब है ऐसा x कोई होगा ही नहीं, ये ऐसा सेट, मतलब ये एम्प्टी सेट हुआ, क्योंकि ना तो x 2 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, और 2 और 2 के बीच में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था इसमें a लेस देन b है, और इस वाले केस में a लेस देन और इक्वल टू b पॉसिबल है ना, तो मैं यहाँ कंडीशन भी डाल देता हूँ जिससे आपकी एक एज, एज मतलब एक आपकी भुजा, एक आपकी डायमेंशन और अधिक शार्प होगी। और इस वाले में मेरे दोस्तों a लेस देन क्या होना चाहिए? b होना चाहिए। अब हम अगले पे आ जाते हैं, क्या एक तरफ से क्लोज्ड और एक तरफ से ओपन हो सकता है? यस इट इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा a लेस और इक्वल टू x लेस देन b। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक।
अब इसमें भी ए लेस देन, ये वाले वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी हो जाएगा। अब तीसरी बात है, इसका मीनिंग मैंने बोल दिया आपको, आप समझ गए हैं। एक्स बिलोंग्स टू, एक इस तरफ ओपन कर दिया और इस तरफ क्लोज कर दिया, इसका मीनिंग होगा ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। इस केस में भी क्या मानेंगे आप, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी ये मानेंगे। तो ये आपका काम हो गया। लेकिन अगर एक और चीज है जिसको कहते हैं सेट, सेट में आपने देखा होगा, अच्छा इसके लिए थोड़ा सेट का नॉलेज हो आपको, सेट में अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि x की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, x इज इक्वल टू ए होगा या x इज इक्वल टू बी होगा। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू, टू टू फाइव ही लेते हैं, टू फाइव वाला केस लिया हमने, तो इसका मतलब है कि x टू होगा, x फाइव हो सकता है, x 2.1 नहीं हो सकता, 2.0001 नहीं हो सकता, x 4 नहीं हो सकता, x 3 नहीं हो सकता, x 3.1 नहीं हो सकता, x 3.5 नहीं हो सकता, ये दो वैल्यूज ही हो सकती है केवल। ये सेट है और ये इंटरवल से, ये क्या है, ये जो मैंने आपको बताए हैं दे आर इंटरवल्स, ये इंटरवल्स हैं, इनको इंटरवल्स बोलते हैं। ये क्लोज्ड है, कौन सा क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। तो पहले क्लोज्ड है बाद में ओपन है, इसको क्लोज्ड ओपन कहते हैं, क्लोज्ड ओपन, या फिर आप क्लोपन भी कहते हैं, क्लोपन ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन क्लोज्ड ओपन भी कैसे ओपन कहें आप ज्यादा अच्छा है। ये ओपन क्लोज्ड है, ओपन क्लोज्ड, तो ओपन क्लोज्ड है तो ओपन क्लोज्ड के लिए ओपन क्लोज्ड ही कहेंगे। और ये जो है ये सेट है, ये कौन, ये सेट है, इनको इंटरवल्स बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये आपने इंटरवल्स के पहले तो सिग्निफिकेंस और उनके नोटेशंस और कैसे कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे ये समझ ली। अब मैं इसे रब कर देता हूँ, और अगर आपको ये आता था तो आपने स्किप करना है, आगे बढ़ना है। और दोस्तों ये चीज आप तक ना रहे, सब तक पहुँचे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है अपने को, आप ये कर दीजिए ताकि बात आगे तक पहुँचे, दूसरों तक पहुँचे और हमारे साथी और हम सब आगे बढ़ पाएं। क्योंकि जब हमारा मोटिव बड़ा होगा तो हम आगे तक जाएंगे, और मोटिव छोटा हुआ तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब आपको ये रियल लाइन है, रियल लाइन, तो रियल लाइन को डिनोट करने का तरीका है, क्योंकि सारी बातें इसी में होती हैं। रियल लाइन को आप कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। मैं एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे वर्टिकल, आप अगर आप अपनी एग्जाम्स में देखोगे तो ऐसा ये बोल्ड बना देते हैं उसको, आप देखना जब रियल लाइन बनेगी तो वो थोड़ा सा भिन्न रहेगा, या तो बोल्ड बना देंगे, या बोल्ड नहीं बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बना देंगे, या फिर आप आर को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी, ये आर है, दिस इज वॉट, दिस इज आर, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करते, एक्चुअली देर डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से उनमें कैसा लगा है सिस्टम, तो उसमें क्या लगा है, दोनों साइड क्या लगा है, ओपन इंटरवल लगा है। कभी आप गलती से पढ़ा एक्सटेंडेड रियल सिस्टम, मास्टर ऑफ साइंस किसी को करना हो मैथमेटिक्स में, ऑनर्स करना हो, तो वहां पर ये लगाते हैं, तो ये ध्यान से सुने, वहां लगाते हैं, लेकिन आपके केस में यहां पर आपको नहीं लगाना है, आपकी इच्छा है, आप जानना चाहते हो तो एक्सटेंडेड रियल सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल सिस्टम, रियल एनालिसिस इंडिपेंडेंटली मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी ब्रांच है जिसपे रियल नंबर्स पे ही वर्क होता है।
अब हम आगे की बात करें कि अब हमको कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपका दोस्तों लिया क्वेश्चन 2x इज लेस देन 14 एंड x बिलोंग्स टू n, x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता होना, नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा आपका 2x लेस देन 14, तो x क्या हो जाएगा आपका लेस देन 7। अब 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन से करेंगे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा और 6 करेगा। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर कि x इज व्हाट, x हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे लिख दिए, डैश 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 भी लगा सकते थे आप, ये सारी वैल्यूज हो सकती है। x की वैल्यू 7 से छोटी होगी और अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो यहाँ पे फिर 7 भी इंक्लूड हो जाता। ये तो बहुत नॉर्मल बात थी, तो ये हमने डिस्कस कर ली। अब अगर यही सवाल होगा, द सेम क्वेश्चन, पर इंटरवल अगर बदल दिया जाएगा तब देखें क्या होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन यही रखते हैं हम, 2x लेस देन 14 और x बिलोंग्स टू व्हाट, x इसमें है, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे आप, x लेस देन क्या हो जाएगा आपका, x लेस देन 7 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से ये इन्फिनिटी तक फैला है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यूज लेना है, हमें 7 और 7 से छोटी लेना है। 7 इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है, क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो यहाँ पे 7 में कैसा इंटरवल आएगा, ओपन, मतलब हमको इस एरिया में डिस्कस करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस करना है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 7, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 7, ये इसका आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 7, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर इक्वल टू लगा होता इसमें, यही केस होता, इक्वल टू लगा होता यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर कैसा इंटरवल आ जाता आपके पास, फिर क्लोज्ड आ जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, बेसिक बात से हमने चालू की, साथ साथ बने रहेंगे, थोड़ा टाइम स्पेयर करेंगे, बड़ी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, मेरी बेस्ट विशेस है, और थोड़ा पेशेंस बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए कि माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 18 ये दिया है और x बिलोंग्स टू R। अब आप ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन सारे केसेस हमको x बिलोंग्स टू R के ही हैं। x बिलोंग्स टू R का मतलब है R मैंने आपको क्लियर कर दिया, R इज व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल नोटेशन है। अब माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 18 ऐसा सवाल दिया है, अब आप क्या करेंगे, तो आप माइनस 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो माइनस 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से देखिए आप, फिर आपको ये लॉजिक भी अपने दिमाग में डेवलप कर लेना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल और उसके साथ में लॉजिक। देखो 2 लेस देन 3 है, क्लियर। अब मैंने इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये बन जाएगा 4 3 जा 12, अभी भी ये छोटा है, क्लियर है, ओके, इसको नोट कर लें आप। अगर आपके पास है, मैंने मल्टीप्लाई करने को कहा आपको कि आप ऐसा करिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 और ये बन जाएगा माइनस 9। तो आप देखें कि अब ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया, वो वाला पोर्शन छोटा हो गया, ये क्यों हुआ, तो ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की वजह से हुआ, या नेगेटिव से, ध्यान से सुना, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी को या नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो घूम जाएगा। तो अगर मैं माइनस 3 से इसको डिवाइड करूंगा, मैं माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 18 अपॉन माइनस 3 है तो माइनस
क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये -6। तो कौन सी वैल्यू लेना है हमको, तो ये आपकी रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, और आपको कौन सी वैल्यू लेना है, -6। यहाँ पे कहीं होगा -6, जीरो हम मार्क नहीं कर रहे हैं, आप जीरो की चिंता नहीं पाले, यहाँ -6 से कहीं, -6 और -6 के आगे की सारी वैल्यूज लेना है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा -6, -6, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा, आप ध्यान रखिए, इन्फिनिटी प्लस का हो इन्फिनिटी माइनस का हो, दोनों में ये आपका इसी तरह से आएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा कि अगर माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मान लीजिए आपके पास लिखा है 2x + 4 ग्रेटर और इक्वल टू 3x + 6, क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे आप, x वालों को एक तरफ लाएं तो हो जाएगा 2x - 3x, 4 को उधर ले जाएं 6 - 4, क्या हो गया ये -x > 2। तो अगर माइनस से आपने डिवाइड किया तो हो जाएगा -2, आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, -2 तक, आगे की बात छोड़ दो आप, आगे का डिस्कशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, -∞ to -2। -2 पे कैसा आएगा आपका, क्लोज्ड आएगा, क्लियर है। अब अगर थोड़ी सी अब आप और आगे एडवांस डिस्कशन करें, पर उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे आपको 11th का भी बेस बने, 11th का भी ये चैप्टर है। देखिए अगर आपको ऐसा लिखा है 1/2 3 - x > (x/2 + x/3) ऐसा कुछ दिया है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, ये 3 - x / 2 > (x + 2x) / 3 = 6, 2 × 3। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज करना नहीं है, क्योंकि माइनस होता तो करते चेंज, अभी तो माइनस है नहीं, तो 3 - x > कितना हो गया 5x, और ये जो 3 था अपॉन का, ये 3 वहां भेज दे, तो 9 - 3x 5x। इसको क्या लिख सकेंगे आप, 9 > उसको उधर भेज देंगे 8x, ये हो जाएगा 9/8 > (x). इसको उल्टा करके लिखें तो अच्छा लगेगा, x < x की तरफ मुंह बंद है, x छोटा है, x < 9/8। तो आपका आंसर हो गया -∞ से लेके कहां तक, 9/8 -∞ से लेके 9/8, यही आपका आंसर है। x किसको बिलोंग करेगा, x belongs to, ये इस तरह से लिखिएगा, x belongs to -∞, 9/8 पे क्लोज्ड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान से समझिए। तो एक ये क्वेश्चन नंबर 5 था, नंबरिंग पे ध्यान रखेंगे अपन। अब 5th के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें डोमेन पता लगाना होता है फंक्शन का, कभी कि फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इस केस की यूज होती है। जैसे एक आपको क्वेश्चन दे बताता हूं मैं, फिर मैं अब कर दूंगा इसे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इसका डोमेन निकाल के बताओ, तो फिर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे तो मैं समझाता हूं आपको, आप चिंता बिल्कुल नहीं करो, साथ बने रहो, बस इतना ही काफी है आपके लिए। अब आप ध्यान से सुनो, x - 1/(x - 2) > (0) ऐसा अगर आपका प्रॉब्लम है, x - 1/(x - 2) > (0), तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए आप पहले रियल लाइन बना लो। तो ये रियल लाइन बना ली, कहां से कहां तक है, तो ये रियल लाइन है आपकी -∞ से लेके +∞ तक। क्लियर है क्या मेरी बात आपको, बराबर बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं आप। इसमें इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए न्यूमरेटर को भी 0 रखना पड़ता है और डिनोमिनेटर को भी 0 रखना पड़ता है।
अगर आप न्यूमरेटर को जीरो रखोगे तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी आप बताना। न्यूमरेटर को अगर आप जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी वन, और जब आप डिनोमिनेटर को जीरो रखोगे तो ये देख लूँ मैं एक बार, आपका कनेक्शन देख लेते हैं कि कनेक्शन प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। ओके, तो कनेक्शन प्रॉपर बना है, पावर से कनेक्ट कर दो उसको। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की दो वैल्यूज हो गई वन और टू। ये वन है और ये कौन सी है टू, x की दो वैल्यूज है वन और टू, तो x की वैल्यू वन और टू आ गई। अब आपने इसने रियल लाइन को हमने चार ये तीन भागों में डिवाइड कर दिया, ये और ये रियल लाइन को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और आगे तक। अब इसमें आप एक काम करें, ये फिर से एक बार मैं आपको बोल देता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि मोबाइल और कैमरे का कनेक्शन जो था वो बीच में डिसकनेक्ट हो गया, तो थोड़ा सा मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप फिर से आगे से देखें। ये अगर आपके पास एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, तो ये न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट किया, डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट किया, तो आपको क्या मिल गए, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जब आपको मिल गए हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने यहाँ मार्क कर दिए इस रियल लाइन में। अब क्या करें, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई वैल्यू बोलें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, बीच की कोई भी वैल्यू, कोई भी जो आपके मन में हो, जीरो बोल दिया जैसे मान लीजिए आपने, तो ये जो जीरो बोला आपने, यहाँ पे एक विचार किया कि एक जीरो वैल्यू है, तो जीरो इसके अंदर डालना है, किसके अंदर डालना है, देखो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, और वन और टू के बीच की, और इसके अलावा माइनस वन भी डाल सकते थे आप, माइनस वन भी डालोगे तो भी यही आएगा, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस, सॉरी माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस टू, ये माइनस टू अपॉन माइनस थ्री है, तो ये टू बाई थ्री, ये भी प्लस आया, कोई भी डालो आप, कोई भी डालो प्लस ही आएगा। अब आप वन से और टू के बीच की वैल्यू बोल दो, वन पॉइंट फाइव है, वन पॉइंट थ्री है, कोई सी भी डालो, तो अगर आपने वन पॉइंट टू डाल दी तो वन पॉइंट टू माइनस वन और 1.2 माइनस टू, तो 1.2 माइनस वन ये आ जाएगा 0.2 पॉजिटिव, और 1.2 माइनस टू नेगेटिव, तो माइनस 0.8 आएगा, तो प्लस अपॉन माइनस माइनस, तो हमको केवल साइन लिखना है, प्लस है माइनस है क्या है ये लिख दिया हमने, माइनस आ गया। अब 2 से बड़ी वैल्यू लेना है और इन्फाइनाइट से छोटी, तो 3 ले लो, 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन, 3 माइनस टू, ये पॉजिटिव आएगा, लगभग इस तरह का आएगा। वे भी बोलते हैं इसको कि एक जब ये इस तरफ प्लस है फिर आगे कैसा आ जाता है, आगे कैसा आ जाता है, माइनस आ जाता है, फिर आगे कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा अपने को ध्यान भी रखना पड़ेगा, मैं आपको और फिर समझाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें बस। अब ध्यान से सुनो, इसका कहने का मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है पॉजिटिव की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है ना पॉजिटिव, इस साइड हो रहा है पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट सॉल्यूशन है, तो माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ही लगेगा, वन और टू और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो ओपन ही लगेगा, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इक्वल टू लिखा रहता है जब, तो इक्वल टू जब मैंने लिखा रहता है, मैं तो आपको बताया भी था कि आप ये वाला देखा होगा अपने केस कि a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b, तो इसमें इक्वल टू जहाँ लिखा है वहाँ इंटरवल किस शेप का आ जाता है, इंटरवल क्लोज्ड हो जाता है, कैसा हो जाता है इंटरवल क्लोज्ड, तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोज्ड आ जाइए, और यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा ये, यहाँ पर भी ये क्लोज्ड हो जाएगा, पर इसका ये कहने का मतलब है कि इसके और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू अगर आपने इसमें सब्स्टिट्यूट की, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू हमने ली थी बीच की तो सब में हमारा पॉजिटिव आ रहा था, और इसमें लिखा है कि आपको पॉजिटिव पर बात करना है, लेकिन जब हम वन रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा,
वन रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो बराबर है, ट्रू है, तो जीरो इज इंक्लूडेड। पर अब जब ये वाली बात करें कि यहां से लेके यहां तक की कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो जब हम टू रखेंगे तो आप टू रखो तो यहां पे देखो ध्यान से, टू कहां का पॉइंट है, टू पॉइंट है डिनोमिनेटर का। तो जब 2 माइनस 2 होगा तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 यानी अपॉन में 0 आ जाएगा। अपॉन में 0 आएगा तो आपको मालूम है कि अपॉन में 0 होना नहीं चाहिए, अपॉन में 0 होगा तो इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए 2 पर कैसा रहेगा, ये 2 पे ओपन बनाना पड़ेगा कि 2 नहीं इंक्लूड कर सकते। तो कहने का मेरे, और दोनों को क्लब करना है तो दोनों को क्लब करने के लिए इस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, सेट के ऑपरेशन है ये, सेट का ऑपरेशन। क्या नाम है ऑपरेशन का, नाम है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। मैं इसी क्वेश्चन की और थोड़ी सी सर्जरी करके आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप मेरे साथ साथ रहें, बिल्कुल चिंता नहीं करें, बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है प्रॉब्लम, फिर हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज क्या आएंगी, इसमें न्यूमरेटर ही है खाली, डिनोमिनेटर वन है, तो जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू टू आएगी, ये आया वन और ये आया टू, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक के बीच की कोई वैल्यू रखेंगे जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस टू माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस, फिर वो अल्टरनेट चलते हैं जैसे मैंने आपको बताया, फिर लेकिन अल्टरनेट हमेशा नहीं चलेंगे, उसके लिए एक छोटी सी वजह मैं फिर और बताऊंगा, लेकिन अभी प्लस माइनस प्लस है ना, अभी तो आप रख के भी देख लें और ऐसा आएगा। तो आपका ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, कौन सा वाला भाग, ये वाला, तो माइनस इन्फिनिटी में तो ओपन ही लगेगा, वन पे कैसा लगाएंगे, क्लोज्ड, क्यों क्लोज लगाएंगे, क्योंकि यह इक्वल टू लिखा है, और टू पे कैसा लगेगा, क्लोज्ड। अब इस केस में आप टू रख के देखो, अब अगर आप टू रखोगे ना तो यहां जाएगा ना टू माइनस टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, जीरो इक्वल टू जीरो भी चलेगा और ग्रेटर देन होगा ये वाला भाग वो भी चलेगा, तो इसलिए इसमें टू आएगा, इस वाले में टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा टू, क्योंकि टू किसका पॉइंट है, डिनोमिनेटर का पॉइंट है। अब इसी सवाल को अगर एट्थ वाले को ऐसा बना दूं मैं, वन अपॉन एक्स माइनस वन, दोनों को नीचे भेज दिया और यहां पे इक्वल टू लगा दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो फिर आंसर कैसा आएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन, प्रोसीजर वही रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, रियल लाइन बनाओगे, रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से कहां तक है, प्लस इन्फिनिटी तक, पॉइंट कौन कौन से, एक है वन और एक टू है, वही रखना है आपको, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से पार्ट को लेंगे अपने को, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, यहाँ पे कौन सा है ये, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे क्लोज्ड आना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स पे, पर दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पर हैं, दोनों डिनोमिनेटर पे, तो दोनों में कैसा आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो आपका आंसर कैसा बनेगा, आंसर आपका ऐसा बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, फिर आप बात आपको समझाता हूं मैं। एट्थ नाइन देखो आप, अगर आपके पास ऐसा लिखा है एक्स माइनस टू और यहां पे लिख दिया, बदल दिया मैंने, एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, अब यहां इक्वल टू जीरो नहीं है तो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज कितनी आएंगी, इसको जीरो से इक्वेट करोगे, इसको जीरो से, इस पूरे को जब जीरो लिखोगे एक्स माइनस टू को, तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, और इसको लोगे तो x की वैल्यू 4, तो ये 2 और 2 के बाद आती है 4, यहाँ पे कौन है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कौन है प्लस इन्फिनिटी, 2 से छोटी वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी, तो 2 से छोटी 1 है, 0 है, जो लेना है वो ले लो, 0 ले लेते हैं, 0 सबसे सरल है, जब एडवांटेज मिले तो लेना चाहिए, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 2 अपॉन माइनस 4 प्लस, 2 से बड़ी 4 से छोटी 3 लो, 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस, 4 से बड़ी वैल्यू 5, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1, 3 अपॉन 1 प्लस। तो अपने को कौन सा वाला बोला है, ग्रेटर देन 0 बोला है, इक्वल टू बोला है क्या, नहीं भाई नहीं बोला इक्वल टू, तो ये वाला 2 रख सकते हैं क्या यहाँ पे, अगर अपन ने 2 रख दिया यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 0,
टू माइनस टू क्या बन जाएगा, जीरो, और नीचे क्या बन जाएगा, टू माइनस फोर माइनस टू। ये क्या बोल रहा है, जीरो ग्रेटर देन जीरो, क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है, नहीं होता है। तो जब ये इंटरवल की प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, इसमें कैसा इंटरवल लगेगा आपका, ओपन ही लगेगा। क्यों ओपन लगेगा, क्योंकि आपको इसी तरीके से फोर नहीं रख सकते। वैसे भी फोर कहाँ का पॉइंट है, डिनोमिनेटर का पॉइंट है। आपको मैं फिर बताता हूँ कि आप इससे समाप्त करेंगे इसको, और फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर आप देखिएगा और आगे इस पर डिस्कशन करेंगे हम। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये है या ये है तो फिर इंटरवल कैसा आएगा, इंटरवल क्लोज्ड आएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो, कोई जरूरत हो, तो मैं आपको इसका एक पेज में लिखा हुआ शॉर्ट नोट भी भेज सकता हूँ, जिससे आपको एक चार्ट बना लेंगे और वो चार्ट बना के आप अपने सामने रख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आप मुझे पूछेंगे कैसे, मांगेंगे कैसे वो, तो ये मेरा मेल आईडी, वो सॉरी व्हाट्सएप नंबर है 9196856980056। आप अपनी रिक्वेस्ट इस पे भेज देंगे, नाम मेरा आपको मालूम होगा, डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आप चैनल देखेंगे तो आपको चैनल में ट्विटर फेसबुक सबके लिंक मिल जाएगी, आप कैसे भी करके मुझे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको मुझ तक अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरी बात सुने, इसमें इंटरवल क्या होगा, इन दोनों केस में क्लोज्ड बनेगा। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कैसे रहेंगे, हमेशा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ओपन रहेंगे। डिनोमिनेटर का पॉइंट पे हमेशा क्या बनेगा, जब जब डिनोमिनेटर का पॉइंट आएगा, जब जब डिनोमिनेटर का पॉइंट आएगा, जब जब डिनोमिनेटर का पॉइंट आएगा, तब तब कैसा रहेगा, तब तब कैसा रहेगा, वो ओपन रहेगा। कैसा रहेगा, ओपन, भले ही कैसा भी लिखा हो, भले ये लिखा हो या ये लिखा हो, लेकिन जब ऐसा वाला होगा, कैसा होगा फिर से समझ लो, अगर ऐसा लिखा हो, ये लिखा हो या ये लिखा हो, तो ये तो ओपन के लिए, फिर आपको ओपन ही लेना है। कैसा लेना है आपको, ओपन, ये होगा या ये होगा तो आपको कैसा लेना है, क्लोज्ड। पर क्लोज्ड कहां लेना है, क्लोज लेना है एट द क्रिटिकल पॉइंट्स पीटीएस पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर के पॉइंट पे क्या लेना है आपको, क्लोज्ड लेना है, नॉट एट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं लेना है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, अगर इस बात का आप ध्यान रख पाएंगे तो। और मैं आपसे एक क्वेश्चन अब डिस्कस करता हूं, अब आप और ध्यान से सुनिए। 10th क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपका प्रॉब्लम इस तरह से लिखा हुआ, 2-x 3-x, या इसको बदल देते x-3 कर देते, और यहां पे लिखा है लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आएंगे आपके, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 2 और 3। अब 2 से छोटा वैल्यू, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, 2 से छोटा वैल्यू जीरो, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो आपका कैसा चलेगा, आप ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाले को इस तरफ बना लो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला भाग पॉजिटिव, ये वाला भाग नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या है, आपको लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक ये इक्वल टू लगाए, इक्वल टू लगाए, तो 2 पे कैसा आएगा, क्लोज, क्योंकि 2 कहाँ का पॉइंट है, न्यूमरेटर का पॉइंट है, न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, यूनियन। 3 कहाँ का पॉइंट है, 3 कहाँ का पॉइंट है, 3 कहाँ का पॉइंट है, 3 पॉइंट है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में ऐसा आएगा। अगर इसी की जगह क्वेश्चन ऐसा हो जाता, मान लीजिए सब तरफ से आप समझ लें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे और बहुत आसानी से आगे के क्वेश्चन करेंगे, और मेरा भी पर्पज सर्व हो जाएगा, जो बात बच्चों को बतानी है
वो समझ में आ गई बच्चों को। और अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कौन से भाग में हो रहा है, इस भाग में हो रहा है। तो इस भाग में हो रहा है तो कहां से कहां तक लेना है अपने को, टू से लेके थ्री तक। तो टू पे फिर भी कैसा आएगा, टू पे कैसा आएगा, क्लोज्ड आएगा। थ्री पे कैसा आएगा, ओपन आएगा। क्यों, क्योंकि थ्री कहां का पॉइंट है, डिनोमिनेटर का। टू कहां का पॉइंट है, न्यूमरेटर का। ये क्यों आया, क्योंकि यहां पर इक्वल टू लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो ऐसा लिखा होता 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो फिर दोनों तरफ कैसा आता, दोनों तरफ ओपन आता। और अगर यहां पे भी नहीं होता, ये इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो यहां पे भी क्या हो जाता, ये ओपन हो जाता। तो ये था दोस्तों इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका। अब 12th क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, जिसमें राइट साइड में जीरो नहीं है। राइट साइड में चलिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन बाय टू, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा आपका काम। आप करके देख लेंगे, अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। इसमें क्या करें, आप इसको राइट साइड में, राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर दें। और राइट साइड में आप याद रखें, राइट साइड मस्ट बी व्हाट, जीरो, जीरो बना लें, एलसीएम ले लें। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आ जाएगा आपका, ओ एक्सट्रीमली सॉरी, इसको 13th नंबर देना, नंबरिंग में गलती हो जाए तो मेरे को माफ करिएगा। तो ये 13th हो गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा x प्लस टू और 2x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। आप 2 को उधर भेजना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, पर अगर माइनस 2 होता तो आपको मालूम फिर इनइक्वालिटी का ये साइन चेंज हो जाता। अब आपकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू माइनस 2, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो प्लस 2। तो माइनस 2 पहले आता है, प्लस 2 बाद में आता है। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होता है। अब वैल्यू रख लो, माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 के बीच की वैल्यू माइनस 3, माइनस 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 2, ये हो गया माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस 5, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 प्लस। यहाँ पे प्लस आ गया आपका, माइनस आ गया, प्लस आ गया। अब आपको कौन से भाग पे लेना है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लेना है, माइनस 2, ये है आपके पास। तो इक्वल टू का झंझट ही नहीं आपका, क्लोज्ड इंटरवल आएगा ही नहीं। अगर ये नहीं होता, अगर इक्वल टू होता तो फिर इस वाले पॉइंट पे, किस वाले पे, इस वाले पे क्लोज्ड हो जाता, और ये डिनोमिनेटर का पॉइंट है, इस पे तो कुछ भी हो जाए ओपन ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन था 13th। अब और बात को सुने, अपने को करना क्या है, सारी चीजें राइट साइड में लेके आना है और राइट से लेफ्ट में लेके आना है। एक और मैं आपको इसी तरह से बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 2x अपॉन x माइनस 1, इसमें लेस देन आर इक्वल टू ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लिख दिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 बाय 3 लिखा हुआ है, तो आप 2 बाय 3 में अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में, चलिए इसमें बता दूंगा मैं आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आपको क्या परेशानी आएगी, तब आपका आंसर इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में छोड़ दिया मैंने, रह गया, तो इस बार में डिस्कस कर लेते हैं। 2x अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 बाय 3, या एक काम करें पहले उसको ही कर देते हैं, जो आपके दिमाग में दिल में चल रही बात वो कर लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा देखो, ऐसा कर दिया तो ये जाएगा 6x 2x माइनस 2, ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा तो 4x, ये हो गया माइनस 2। ये इसमें तो आपको ये आया आंसर, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1/2, बोल रहा है कि इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। आओ अपन इसमें देख लेते हैं, समझते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1/2 वो डायरेक्ट है, पर ये गलत है, इसलिए इसको कट भी कर देता हूँ, आप अपने दिमाग में मत उतार लेना। अब आप पहले फिर से समझो, आप इसको इधर ट्रांसफर करो, एलसीएम लो, कितना हो जाएगा ये आपका 6x माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1, आप 3 को उधर भेजना, भेज दो, 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका, 6x माइनस 2x हो जाएगा आपका 4x प्लस 2,
आपकी क्रिटिकल वैल्यू, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू -1/2 आएगी, इसको करोगे तो 1 आएगी, -1/2 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब माइनस इन्फिनिटी से -1/2 के बीच की वैल्यू -2 ले लो, -2 लिया तो ये -8, -8 + 2 -6 और -2 - 1 -3, -/- प्लस। अब समझ गए आप, ये इस तरीके बनेगा प्लस माइनस प्लस, आप वैल्यूज भी रख के देख सकते हो। तो आपका आंसर क्या आया दोस्तों, आपका आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, माइनस, हमें लेस देन वाला चाहिए, ओके एक्सट्रीमली सॉरी, लेस देन वाला चाहिए तो ये नेगेटिव तो इसमें आ रहा है, तो -1/2 से लेके कहाँ तक, 1 तक। 1 पे कैसा लगेगा, तो 1 पॉइंट है डिनोमिनेटर का, तो 1 पे लगेगा ओपन और -1/2 पे लगेगा क्लोज्ड, यहाँ इक्वल टू लिखा है इसलिए, अगर इक्वल टू नहीं होता तो दोनों में फिर क्या आ जाता, ओपन आ जाता। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें और इसमें अंतर है ना, ये तो गलत हो गया, इसमें गलत हो गया, इसमें -1/2 से छोटी वैल्यू, जैसे -1/2 से छोटी वैल्यू है -4, अब -4 यहाँ डाल के देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू -1/2, ये डाल दीजिए -4 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2 × -4 कितना हो जाएगा -8, -4 - 1 कितना हो जाएगा -5, अब ये कितना हो गया आपका 8/5, और 8/5 आपका, और 8/5 क्या 2/3 से छोटा है क्या, देखो तो क्रॉस करके 3 8 जा, जैसे बचपन में करते थे 3 8 जा 24 और 5 2 जा 10, तो ये तो 24 हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला भाग, और वो वाला भाग क्या हो जाएगा 10, ये सही है क्या, ये गलत है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है, ये वाला गलत है, ये वाला सोल्यूशन गलत है, तो इस तरीके से नहीं करना है, जिस तरीके से सिखाया है उसी तरीके से कोशिश करना। अब आपको जो प्लस माइनस प्लस वाली बात है वो भी समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन कौन सा था, 14 था, अब मैं आपको एक 15 क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया x-1² x-2 x-4 x-3 और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब आपके बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इन सबको 0 से इक्वेट करोगे ना, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे रहेगा प्लस इन्फिनिटी, तो जो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की बीच की वैल्यू है 0, 0 यहाँ रख के देखते हैं, तो देखो 0 रखा है तो ये प्लस हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या हो गया -(-+)-, हो गया। अब एक काम करते हैं, अब 1 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी कौन होती है, 1.5 होती है, चलो 1.5 रख लो, 1.5 रखा तो 1.5 - 1 क्या हो गया प्लस, स्क्वायर था यहाँ है ना, स्क्वायर था, और 1.5 - 2 कितना हो गया माइनस, 1.5 - 4 कितना हो गया माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कितना हो गया माइनस, वही बात हो गई जो पहले थी, प्लस ठीक है सॉरी माइनस, -(-)+(-). तो अब कैसा हो गया, अब वो जो वेव बन रही थी वो नहीं बन रही, अब वेव कैसी बन रही है, इधर भी नीचे बन रही है और इधर भी नीचे बन रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि ये जो पॉइंट है इसकी पावर कैसी है, ये पावर इवन है, ये कैसी पावर है, इवन है, इसलिए ऐसा बन गया। तो जो क्रिटिकल पॉइंट हो, जो क्रिटिकल पॉइंट कैसा हो जिसकी पावर इवन हो, तो उस पर फिर ऐसा बनेगा, या प्लस होगा तो ऊपर ऊपर की तरफ बनेगा, अब आगे से ठीक बनेगा, आगे इनकी पावर क्या है, इनकी पावर ऑड है, तो ऑड पावर में ठीक बनेगा, ऑड में यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा प्लस आएगा, आप रख के देख लीजिएगा, अपने को किस में इंटरेस्ट है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 इस भाग में आ रहा है और इस भाग में आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके कहाँ तक 3 तक, 2 न्यूमरेटर का पॉइंट है इंक्लूड करो, 3 कहाँ का पॉइंट है डिनोमिनेटर का पॉइंट है एक्सक्लूड करो, 4 पे क्या करोगे, 4 को इंक्लूड करो, 4 न्यूमरेटर का पॉइंट है, इक्वल टू 0 लिखा है ना इसमें ग्रेटर और इक्वल टू, और ये क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन आएगा, दोनों को कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे, यूनियन से कनेक्ट करेंगे और कैसे करेंगे,
तो ये था दोस्तों, बहुत सिंपल है। मैं एक आपको बड़ी अलग पावर का केस बताता हूँ, आप उसको देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। देखो मैं उसमें कई सारे केस ले लेता हूँ, एक तो ऐसा भी ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन क्यूब एक्स माइनस टू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर या फाइव ले लो पावर, और इस पावर को फोर ले लो, और आपने ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का लिया था तो यहाँ एक काम करो, लेस देन जीरो ले लो, लेस देन और इक्वल टू भी छोड़ो। अब आप ध्यान से सुनो, आपके क्रिटिकल वैल्यू कौन कौन सी, इससे आएगी जीरो, इससे आएगी वन, इससे आएगी टू और इससे आएगी थ्री, इससे आएगी फोर। या एक काम करो, अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो यहाँ पे ले लो माइनस थ्री, है ना, तो सब तरफ का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब आप एक कोई सी भी वैल्यू यहाँ से ले लो, कहीं से भी उठा लो, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, कहीं से भी जहाँ से भी जमे वहाँ से उठा लो। अब आप ध्यान से सुनिए, है ना, ये ध्यान से सुनेंगे अपन। अब उसमें आप समझे कि उसमें क्या करेंगे आप, तो माइनस इन्फिनिटी से ले करके माइनस इन्फिनिटी से लेके और ये वाला जो केस है माइनस थ्री, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री के बीच की वैल्यू ले लो, माइनस फोर ले लो, तो माइनस फोर ले लिया आपने, तो माइनस फोर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। माइनस फोर माइनस वन क्या होगा, माइनस फाइव। माइनस फाइव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव। माइनस फाइव माइनस टू ये स्क्वायर है, पॉजिटिव। चलो नेगेटिव, ये देखो मैं वो फिर से लिख देता हूँ, माइनस फोर लिया, माइनस फोर से ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, नेगेटिव। ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस वन पावर फाइव, नेगेटिव नेगेटिव। और ये क्या बन जाएगा, पावर, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया आपका, पॉजिटिव। अब देखो ये जो माइनस थ्री लिखा है इसकी पावर क्या है, ऑड है। माइनस थ्री की पावर क्या है, ऑड है, तो ये यूं चलेगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पावर कैसी है, पावर कैसी है, इवन है ना, इवन है, तो ये ऐसा हो जाएगा, वापस से ऐसे ही टर्न ले लेगा, वापस से यूं जाकर के यूं आ जाएगा। वन पे कैसी पावर है, देखो वन पे कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो वन पे ऊपर चला जाएगा, और वन पे ऊपर जाकर के टू पे देखो, टू टू पे देखिए, टू पे कैसी पावर है, टू पे कैसी पावर, इवन पावर है, तो टू पे फिर यूं चला जाएगा। फिर फोर पे देखिए कैसी पावर है, फोर पे कैसी पावर है, इवन पावर है, तो फिर यूं चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वेव बनेगी, तो जब इवन पावर होगी तो आप उसी डायरेक्शन में जाना, और जब ऑड पावर होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे माइनस थ्री है, माइनस थ्री में पावर क्या है, ऑड है, तो आप अपोजिट में आ गए। लेकिन जब जीरो पे गए तो जीरो पे कैसे हो गए, आप उसी डायरेक्शन में हो गए। तो ये आपका जो आंसर है, आंसर में क्या चाहिए आपको, लेस देन जीरो चाहिए ना, लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से ये वाला, सॉरी लेस देन जीरो कहाँ आ रहा है, माइनस थ्री से लेके जीरो यूनियन, जीरो से लेके कहाँ तक, वन तक, और सब पे क्या रहेगा, सब पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। और नीचे कहाँ, अब कहीं आ रहा है क्या लेस देन जीरो, लेस देन जीरो केवल इतने भाग में है। अब इसको कनेक्ट करके आप ऐसा नहीं मत लिखिएगा, माइनस थ्री से लेके वन तक ऐसा नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट ट्रू, जीरो इसके अंदर एक्सक्लूडेड है, जीरो आ नहीं सकता है। हाँ लेकिन अगर यहाँ पर कभी लेस देन और इक्वल टू हो जाता, तो कभी मान लीजिए सवाल आपका कैसा हो जाता है, ये थोड़ा सा और समझना है आपको, देखिए कभी आपका सवाल ऐसा हो जाता, लेस देन और इक्वल टू हो जाता, कैसा हो जाता, वही इसी में लिख देता हूं मैं, अगर आपका यहां पे लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाता, लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाता, तब फिर क्या होता, तब इस केस में फिर से आपको मैं समझाता हूं, फिर इसको मैं रब करके फिर आपको समझाता हूं। देखो तब कहां से कहां तक होता, तो माइनस थ्री जीरो जीरो, अब जीरो कहां का पॉइंट है, न्यूमरेटर का पॉइंट है, तो न्यूमरेटर का पॉइंट है, तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, यूनियन
जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक। अब वन वन देखो, वन कहां का पॉइंट है दोस्तों, वन न्यूमरेटर का पॉइंट है, तो वन पे कैसा रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। अब इसके बाद देखो, इसमें एक और बात है, आपको ये वाले पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन इन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है ना, यहां पे इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए आपको ये वाला पॉइंट भी लेना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो कैसे, यहां पे वन रखो तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, तो यूनियन आपको इसमें वन वन तो शामिल हो गया, अब ये वाला पॉइंट भी शामिल करना पड़ेगा, टू वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट आप शामिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं शामिल कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट कहां से आया है, ये पॉइंट्स डिनोमिनेटर से आया है। और एक मैं इसमें हम ध्यान रखना भूल गए थे, ये भी ध्यान से सुनिए आप, इसमें भी आपको एक पॉइंट और आ जाएगा आंसर में, और वो पॉइंट कौन हो जाएगा आपका, वन। वन क्यों हो जाएगा, ध्यान से सुनो, वन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू जीरो, तो एडिशनली ये पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा आपके पास वन। इसका भी ध्यान रखना इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे जो डिस्कस किया, अब आप इसको मिला सकते हो। कैसे मिला सकते हो, अब आप लिख दो माइनस थ्री से लेके कहाँ तक, वन तक। माइनस थ्री पे कैसा है, ओपन है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर का पॉइंट है। वन कहाँ का पॉइंट है, क्लोज उधर का पॉइंट है, यूनियन। अब वन भी शामिल हो गया इसके अंदर, तो वन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसको टू लिखना पड़ेगा, इसमें टू इंक्लूड हो जाएगा, तो 16 है। और एक और मैं छोटा सा ले लेता हूं, ताकि कोई मन में बात रह गई हो हल्की फुल्की किसी भी तरह की, तो वो 17 में खत्म हो जाए। तो 17 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, x माइनस एक्स प्लस ले लो, x प्लस वन स्क्वायर ले लो, x माइनस वन क्यूब ले लो, x माइनस टू टू द पावर फोर ले लिया, x माइनस थ्री स्क्वायर ले लिया, और x माइनस फाइव टू द पावर फाइव ले लिया, और इसमें क्या ले लिया हमने, इक्वल टू वाला लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। पॉइंट्स कैसे हो गए, तो पॉइंट्स हो गए आपके माइनस वन इससे, वन इससे, टू इससे, थ्री इससे, और फाइव इससे, और यहाँ पे क्या हो गया हम आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर आप चाहें कि मैं इसको वैसा कर दूं, तो यहाँ पे टू अगर कर देते टू एक्स प्लस वन, तो आपका पॉइंट हो जाता टू एक्स प्लस वन को जीरो रखते तो एक्स की वैल्यू हो जाती माइनस वन बाय टू। अब एक एक करके रख देते हैं, आपको जहाँ से भी जमे वहाँ से उठा लो वैल्यू। अगर मान लो आपको यहाँ से जम रही है, इसके बीच में जीरो आता है, तो जीरो रख के देखो, जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस टू टू द पावर फोर प्लस अपॉन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये आपका आउटकम आ गया प्लस, यहां से आ गया प्लस। अब माइनस वन बाय टू पे पावर कैसी है आप देख लो, माइनस वन बाय टू पे पावर कैसी है, माइनस वन बाय टू पे पावर प्लस है, तो यहां भी प्लस है, तो यहां भी प्लस ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अब वन पे पावर कैसी है, माइनस है, तो नीचे जाएगा। टू पे देखो पावर कैसी है, टू पे पावर इवन है, तो ऐसा आएगा। थ्री पे पावर कैसी है, इवन है, थ्री पे भी इवन है, तो थ्री पे भी ऐसे ही आएगा, आने दो थ्री पे, डरने की कोई बात नहीं। फिर फाइव पे पावर कैसी है, ऑड है, तो फाइव पे पावर ऑड है, तो फाइव पे पावर ऑड है, तो यूं चला जाएगा। अब ये प्लस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस माइनस, और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या लिखा, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो कहाँ से कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू न्यूमरेटर का पॉइंट है, ले लो यूनियन, माइनस वन बाय टू से लेके वन, वन कहाँ का पॉइंट है, वन कहाँ का पॉइंट है देख लो, वन पॉइंट है यहाँ का न्यूमरेटर का, ले लो, ले लिया। अब आप आगे बढ़ जाओ, अब आप आगे बढ़ो, टू कहाँ का पॉइंट है, टू न्यूमरेटर का पॉइंट है ना, तो टू लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू जीरो, तो यूनियन में क्या आ जाएगा आपके साथ, एक टू भी आ जाएगा। अब थ्री देखो, थ्री डिनोमिनेटर का मत लो, फाइव डिनोमिनेटर का है मत लो, और उसके आगे कहाँ से कहाँ है, यहाँ से पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका फाइव कॉमा इन्फिनिटी। इसको पूरे को क्लब कर दो, क्योंकि ये वन बाय टू से लेके वहाँ तक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक हो गया, वन यूनियन टू यूनियन फाइव कॉमा इन्फिनिटी, ये फाइव कॉमा इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये थे इसके आंसर,
इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो जिसमें मैंने मॉड्यूलस बेस्ड इनइक्वालिटीज़ किए, मॉड्यूलस बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हमने की है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मॉड्यूलस बेस्ड इनइक्वालिटी की है, आप उनको देखिएगा। अगर आप इनको देखें, इनको समझें, प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ज़रूर से लिख के भेजें, कमेंट बॉक्स पे लिखें। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया है, आप ज़रूर लिखें। आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ तक जाने दें जहाँ तक बच्चों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, पर बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं और सुविधाओं के अभाव में वो नहीं पढ़ पाते, नहीं कर पाते हैं। तो आप उन तक ये मैसेज भेज दें, आप एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, रोके मत इसको, और बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। मेरा इसमें कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है, और माई सेल्फ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, मैं PhD इन मैथमेटिक्स हूँ। आप मेरे और वीडियोस भी देखें जो आपके इंटरेस्ट के हों, छोटे भाई बहन, अड़ोस पड़ोस सबको बताएं। बस मेरी इतनी सी मैंने इच्छा है, हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। देश को बढ़ाना है, देश को घटाना नहीं है, देश को सामर्थ्यवान बनाना, ताकतवर बनाना है, ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं, केवल सर्विस 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 एंड सर्विस फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।